सो हे गाइस, क्या चाल रहा है भाई? तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं जीटीए ऑनलाइन, और आज हम लोग फिर से एक बार आ चुके यार ऑनलाइन की दुनिया के अंदर। तो आप लोग को याद होगा पिछले वाले एपिसोड में हम लोग यार एक फेक मनी फैक्ट्री चला रहे थे, जिससे यार अपने को काफी प्रॉफिट हो रहा है। मैंने नए एम्प्लॉयज भी हायर कर लिए, और आज मेरा प्लान है कि फैक्ट्री को फुल्ली अपग्रेड कर दिया जाए, फैक्ट्री में सिक्योरिटी लगा दे, इक्विपमेंट अपग्रेड करे, ताकि प्रोडक्शन डबल हो, और प्रोडक्शन डबल होगा तो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा। तो गाइज आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और यार आप लोग ऑनलाइन वाले वीडियोज में यार प्यार सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो भाई, जीटीए ऑनलाइन में भी ना काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जल्दी नए नए अपडेट आ जाएंगे, नए मिशन आ जाएंगे, और हम लोग जल्दी फिर से फ्रैंकलिन और लेस्टर के मिशन करने वाले हैं, जिनमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो बाकी एक काम करते हैं फटाफट से, पहले अपन लोग घर से निकलते हैं। अरे भाई भाई कितनी ड्रिंक पिएगा, बस हो गई, निकल फटाफट से। तो अभी जल्दी से हम लोग बाहर चलते हैं, मतलब बाहर नहीं, सीधे मेरे को गराज के अंदर जाना है। गराज से पहले एक बढ़िया सी गाड़ी उठाते हैं, मेरे पास ना बहुत सारी गाड़ियां, मतलब कलेक्शन है भाई कार का। तो अभी हम लोग अपने गैराज में आ चुके हैं, जल्दी से एक गाड़ी उठाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां हैं, बस एक गाड़ी मिसिंग है जो नाइट शार्क है, शायद वो ब्लास्ट वगैरह हो गई होगी, तो मुझे इंश्योरेंस क्लेम करना है ताकि वो भी जल्दी से जल्दी आ जाए। मैं सस्ती थार तो लेकर नहीं जाने वाला, तो एक काम करते हैं ना, अपनी लंबोर्गिनी निकाल लेते हैं यार, अपनी प्यारी लंबोर्गिनी है, वही जबरदस्त गाड़ी है। तो फटाफट से पहले बाहर निकलते हैं। तो अभी हम लोग बाहर के साइड आ चुके, और एक सेकंड यार, आगे के साइड कुछ ब्लू ब्लू आ रहा है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड है क्या? यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड निकला तो मेरे को पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि जब भी कोई भी सिक्योरिटी गार्ड सोता है ना, मैं उसके भाई पैसे चोरी कर लेता हूँ। और एक सेकंड ये आगे के साइड दिखा रहा है, तो पहले भाई चेक कर लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पे है क्या, उसके बाद अपन लोग चलने वाले हैं अपनी फैक्ट्री में। और एक सेकंड गाइस, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ मेरे को लग रहा है, कुछ ना कुछ पक्का गड़बड़ है। तेरी तो ऐसी की तैसी, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है गाइस, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे सप्लाई कर रहे थे कुछ इलीगल। ओ तेरी, तुम लोग यहाँ देख रहे हो, मुझे एक स्टैचू जैसा कुछ तो मिला है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। जो पहले काम करते, पहले पुलिस से पीछे छुड़ाते हैं, उसके बाद आराम से इसको देखेंगे। ये कुछ गोल्डन स्टैचू टाइप लग रहा है, पर लग बहुत ज़्यादा प्यारा रहा है भाई। तो एक काम करते, पहले पुलिस से पीछा छोड़ाओ भाई, ये लोग सप्लाई कर रहे थे कहीं पे, और मेरे को अचानक से पता लग गया, मुझे तो लगा सिक्योरिटी वाला यार वहाँ पे, मैं जा रहा था पैसे चुराने, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ी चीज़ मेरे को मिल गई है, जिसको मैं डिलीवर करता हूँ तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। अभी अभी पुलिस कहाँ से आ रही है यार, पहले पुलिस से पीछा छुड़ाओ, उसके बाद ही मैं इसको देख सकता हूँ गाड़ी रोक के। अभी बस 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 भाई, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ना छुप जाता हूँ। ओके, ये जगह एकदम बढ़िया, मैं वैन को लगा के ना यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद पुलिस यहाँ तो नहीं आएगी और पीछा छोड़ देगी। तो अभी यार पुलिस ने पीछा छोड़ दिया है, और अभी मेरे को डिलीवरी की एक लोकेशन भी मिल गई है। तो मेरे को सोलोमोन के ऑफिस में जा रहा है, मतलब मेरे को इस वाले स्टैचू को फिल्म सिटी में डिलीवर करना है, और इस काम के मेरे को पैसे भी काफ़ी बढ़िया मिल जाएंगे। वैसे लोकेशन भी काफ़ी पास की है, तो यार ये तो बहुत ही सही प्रॉफिट हो गया भाई। स्टैचू देख रहे हो यार, एक मम्मी का स्टैचू है, मतलब वो जो द मम्मी फिल्म वाली नहीं है भाई, जो भी इसको बोलते हैं उसी का स्टैचू लग रहा है। बढ़िया सा यार, काफ़ी बढ़िया सा। तो अंदर चल के मेरे को बस यहाँ पे पार्क कर देना है, मतलब ये वेयर हाउस के गेट पे यहाँ खड़ा करना है। तो अभी हम लोग स्टैचू को डिलीवर करके आ चुके हैं, और मेरे को यहाँ पे $10,000 मिल चुके हैं भाई। अगर मेरे को गार्ड मिलता ना, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा $2,000-4,000 मिलते, पर $10,000 यार, मतलब काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये तो। बाकी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। सोलोमोन ने मेरे को बोला है कि और भी अगर मेरे को ऐसे स्टैचू मिलते हैं ना, तो वो मैं लेकर आ सकता हूँ, उसके भी मेरे को काफ़ी पैसे मिलेंगे। बट अभी मुझे काम क्या करना है, पहले अपने मैकेनिक को कॉल करना है। ओके, ये रहा मैकेनिक, फटाफट से अपनी लंबोर्गिनी को बुलाना है और सीधे फैक्ट्री चलना है, क्योंकि यार अपने को काम स्टार्ट करना है भाई। जल्दी से लैम्बोर्गिनी भेज दे। और भाई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, मतलब फेक मनी फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले, मेरे को मोटरसाइकिल क्लब जाना है, वहाँ पे प्रेसिडेंट बनना ज़रूरी है, और उसके बाद ही हम लोग फैक्ट्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो आ चुकी अपनी प्यारी सी लैम्बोर्गिनी, अभी फटाफट से इसको भगाते हुए सीधे चलते हैं मोटरसाइकिल क्लब, जो कि यहाँ पे है। पहले चल के भाई प्रेसिडेंट बनते हैं, और मोटरसाइकिल क्लब के भी ना काफ़ी सारे काम है, तो मेरे को वो भी निपटाने पड़ेंगे, ताकि हम लोग मोटरसाइकिल क्लब को भी अपग्रेड कर पाएँ। अबे भाई आराम से। तो अभी भाई रोड एकदम क्लियर है, फटाफट से गाड़ी को भगाते हैं।
और सीधे चलते हैं यार मोटरसाइकिल क्लब। तो अभी मैं अपनी फैक्ट्री की तरफ जा रहा था और गाइस मेरे को यहाँ पे फिर से एक ब्लू कलर का मार्क नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यार वहाँ पे भी कोई ना कोई तो डील चल रही है, तो मेरे को एक बार चल के वहाँ पे देखना चाहिए। क्या पता वहाँ पे मेरे को फिर से कुछ ऐसा स्टैचू मिल जाए जिससे मेरे को प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि अगर ऐसे $10,000 मिलते हैं ना तो मेरे पास काफ़ी पैसा हो जाएगा यार, वो भी बिना किसी मेहनत के। तो एक बार चल के देखते हैं। और ये मार्क ना व्हाइट हाउस से आ रहा है और मेरे पीछे ना पुलिस भी पड़ी है, मैंने किसी को टक्कर मार दी थी और उसने पुलिस को भेज दिया। और एक सेकेंड गाइस, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या है, एक सेकेंड मेरे को उतर के देखना है ये यहाँ पे क्या आ रहा है। ओके मेरे को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी फ्लेयर की, ये चल क्या रही है। ओके मेरे को दूसरी फ्लेयर देखनी पड़ेगी। ओके तो वो रही पीछे एक और फ्लेयर, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, मेरे को सारी की सारी फ्लेयर्स को इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले ये काम निपटाते हैं उसके बाद अपन लोग फैक्ट्री चलेंगे, ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे को बढ़िया मिलेगा। तो पहले यहाँ पे और देखते हैं कि ये क्या सीन है। तो अभी मेरे को लाइन से काफ़ी सारी फ्लेयर नज़र आ रही है, यहाँ पे एक फ्लेयर थी, मेरे को इन सारी की सारी फ्लेयर्स को फॉलो करना है और शायद मैं किसी ना किसी लोकेशन पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मुझे कुछ बढ़िया चीज़ मिलेगी। तुम लोग सामने की साइड देख रहे हो मेरे को वहाँ पे भी एक फ्लेयर गन नज़र आ रही है, मतलब ये फ्लेयर जहाँ जहाँ पे निकल रही है ना मेरे को सारी जगह जाना है। ओके कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन लोग एक एक करके सारी जगह चेक कर लेंगे। एक यहाँ पे भी, एक मिनट रुक 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 रुक, एक सेकेंड, गाड़ी में बैठे बैठे मैंने कलेक्ट कर लिया। और गाइस तुम लोग सामने देखो एक वहाँ पे भी है, ज़रूर ये किसी ना किसी चीज़ का मेरे को क्लू दे रही है, मेरे को बस इसको फॉलो करना है। और यार अभी ना मेरे पास एक बाइक होती ना तो बहुत ही सही रहता, क्योंकि लंबोर्गिनी से ना ऑफ रोडिंग करने में दिक्कत आ जाती। एक सेकेंड यार, फ्लेयर निकल कर आ रही थी यार, मैं आ तो टॉप पे गया, वो रही वो रही वो रही वो रही, भाई देख रहे हो कहाँ पे आ गया हूँ मैं, वाइट हाउस से फॉलो करते करते फ्लेयर को यहाँ तक आ गया हूँ। ओके अभी मेरे को आसपास और भी देखनी पड़ेगी। ओके सारी ख़त्म हो गई क्या, एक सेकेंड गाइस, अभी मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे और भी फ्लेयर होनी चाहिए यार। एक सेकेंड, मुझे लगता है ना फ्लेयर तो पक्का होगी, बट वेदर इतना ख़राब है ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरे को स्नाइपर निकाल के देखना पड़ेगा शायद। तो अभी यार मैं काफ़ी देर से फ्लेयर को देख रहा हूँ पर मुझे अभी कोई भी फ्लेयर नज़र नहीं आ रही है। मुझे लगा था कि यार फ्लेयर को फॉलो करते रहूँगा ना कोई ट्रेजर मिल जाएगा, कोई बढ़िया सा ट्रेजर, पर वेदर इतना ज़्यादा ख़राब है ना, मुझे लग रहा है फ्लेयर होगी तो पक्का, बट वो नज़र ही नहीं आ रही। मैंने स्नाइपर से भी देख लिया चारों तरफ, वहाँ देख रहे हो दूर दूर तक कुछ भी। ओके ओके एक सेकेंड गाइस, वहाँ नीचे है भाई फ्लेयर, मैं ऊपर देख रहा था। और एक सेकेंड भाई, हल्का सा गेम लैग भी हुआ था, मेरे को नीचे की साइड नज़र आ चुकी, ये देख रहे हो भाई एकदम नीचे की साइड। गाइस ये देखो कुछ ना कुछ तो यहाँ पड़ा हुआ है भाई, पैराशूट से किसी ने यहाँ पे डाला होगा। ओके मैंने कलेक्ट कर लिया है, बहुत सही, फटाफट से यहाँ से $25,000 मिले यार इस काम के। अभी भागना पड़ेगा क्योंकि जिसका भी ये पैराशूट से यहाँ पे आया ना वो पक्का बंदा इसको ढूंढते हुए आ रहा होगा, तो फटाफट से यहाँ से निकलो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी अपने को कितनी आसानी से $25,000 मिल गया यार, बाकी मेरे को ऊपर के साइड जाना है यार, ऊपर के साइड बहुत सही बहुत सही बहुत सही, फटाफट से रोड पर पहुँचते हैं। तो अभी हम लोग अपने मोटरसाइकिल क्लब में आ चुके हैं, फटाफट से गाड़ी को यहाँ खड़ा करते हैं और जल्दी से अंदर चलते हैं। तो अभी हम लोग मोटरसाइकिल क्लब के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे भी अपने लिए काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। तुम लोग सामने देख रहे हो एक एम्प्लॉई है, बाकी और भी बंदे हैं जो मेरे लिए काम करते हैं बट अभी क्लब में नहीं है। तो अभी मेरे को काम क्या करना है, सबसे पहले ना क्लब का प्रेसिडेंट बन जाना है, तो फटाफट से आगे चलो, मेरे को एंटर मार के एक्सिस करना है। ओके बहुत सही, तो अभी हम लोग बन चुके हैं मोटरसाइकिल क्लब के प्रेसिडेंट। वैसे यहाँ पे भी ना काफ़ी सारे काम होते हैं, मैंने एक मिशन तो यहाँ पे कर रखा है बट यहाँ देख रहा हूँ ऊपर बहुत सारे मिशन शो हो रहे हैं। अगर मैं ये सारी चीज़ें भी करता हूँ ना तो मेरे को बहुत प्रॉफिट होगा और अपना काम ना और ज़्यादा बढ़ जाएगा, पर अभी मेरे को ना मोटरसाइकिल क्लब वाला कोई काम नहीं करना है, अभी मेरे को जाना है यहाँ से फटाफट से बाहर और चलना है अपनी फैक्ट्री में। तो अभी मैं मोटरसाइकिल क्लब से बाहर आ चुका हूँ, अभी मेरे को फेक मनी फैक्ट्री में चलना है। एम्प्लॉयज़ वगैरह वहाँ पे काम कर रहे होंगे, प्रोडक्शन भी काफ़ी सही चल रहा था उस दिन, 20-21 हज़ार तो आराम से हो गया था।
तो मुझे लगता है कि यार अभी तो बढ़ गया होगा और मैं उसे सेल करके आऊँगा, पर $100,000 हो जाएंगे ना तब सेल करूँगा, अभी नहीं करूँगा। अरे 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 भाई 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 भाई, देख रहे हो मैं मोड़ रहा हूँ बट फिर भी देख रहे हो भाई, उन्होंने भी मोड़ दिया, सीधे टक्कर ही लगा दी। अपनी लंबोर्गिनी की भी ना हालत ख़राब हो गई है, वो तो अच्छा है कि यार मैकेनिक ना इसको आराम से रिपेयर कर देता है कम पैसों में, नहीं तो भाई कस्टम पे ले जाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और एक सेकेंड एक काम करते हैं, हम लोग फटाफट से यहाँ लगा देते हैं और जल्दी से अंदर चलते हैं, चल के देखते हैं कैसा काम चल रहा है। तो अभी हम लोग अपनी फैक्ट्री में आ चुके हैं और तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई प्रोडक्शन वैल्यू ना डबल हो चुकी है। जब मैंने यहाँ पे देखा था तो $20,000 थे और अभी $43,000, मतलब देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा अमाउंट हो गया है। बहुत ही सही तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे और भी इक्विपमेंट वगैरह अपग्रेड करते रहूँ ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मैं एक बार देख लूँ यार इक्विपमेंट है कितने के, क्योंकि मुझे लगता है ना इक्विपमेंट थोड़े ज़्यादा महंगे के और मेरे पास उतना पैसा नहीं है, बट एक बार चेक कर लेते हैं। ओके तो अगर मैं यहाँ पे अपग्रेड में जाता हूँ और ओके तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी अपग्रेड कर सकता हूँ, तो मैं ये कंफर्म करने वाला हूँ सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी अपने को। तो अभी यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह अपग्रेड हो चुका है, तुम लोग यहाँ देखो सिक्योरिटी गार्ड आ चुका है, गेट भी शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और यहाँ पे सीसीटीवी कैमराज भी लग चुके हैं। ये देखो लगातार यहाँ पे सीसीटीवी कैमराज हैं। अभी ना अपने एम्प्लॉयज भी ना यहाँ पे भाई कोई भी घपलाबाजी नहीं कर पाएंगे, मतलब कोई चोरी चकारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हो भाई अच्छे से सीसीटीवी कैमराज काम कर रहे हैं। यहाँ इनके मॉनिटर्स वगैरह भी लग चुके हैं, मतलब अपनी अभी ये फैक्ट्री ना एकदम सिक्योर हो चुकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इक्विपमेंट के लिए मेरे को पैसा चाहिए करीब $880,000, तो बहुत ज़्यादा चाहिए पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, जल्दी अपने पास बहुत पैसा आ जाएगा। बाकी मुझे लगता है कि सप्लाई कम हो रही है तो सप्लाई ना चोरी करके लानी पड़ेगी, क्योंकि खरीदने वाला नहीं हो भाई, पैसे तो मुझे खर्च करने ही नहीं है अपने, तो सप्लाई मेरी सप्लाई कितने की 60,000 की है भाई, तो इसको तो चोरी करके लाते हैं फटाफट से। तो अभी मैं फैक्ट्री से बाहर आ चुका हूँ और भाई तुम लोग बाहर से देख रहे हो गेट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया इन लोगों ने, मतलब डबल गेट यहाँ पे लगा दिया है। बाकी फटाफट से लंबोर्गिनी को बैठो, मेरे को लोकेशन मिल चुकी है, सीधे उस लोकेशन पे जाना है ना सप्लाई लेकर आनी है। सप्लाई ना कम नहीं पड़नी चाहिए, अपने ना एम्प्लॉयज़ ना काम करते रहेंगे, प्रोडक्शन होता रहेगा और पैसा ही पैसा होगा। तो अपने को बस फटाफट से चलना है, लोकेशन अपने को मिल चुकी है, चल के देखते हैं कि यार लेकर क्या आना है, वैन लेकर आनी है या फिर जो पैसे वाली गाड़ी होती है वो चोरी करके लानी है। तो अभी हम लोग लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं जहाँ से अभी अपने को सप्लाई लेकर आनी है, और मुझे लगता है कि यार ये कोई बैंक की पैसे वाली गाड़ी नहीं है, हमें कुछ तो चोरी करके लेकर आना है। अरे एक सेकेंड गाइस, तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई, यहाँ तो बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है यार, इन्हें कैसे मारूंगा भाई मैं। एक सेकंड यहाँ पे चेक कर दूँ। ओके तो पहले मेरे को अच्छे से अंदर जाके चेक करना है। ओके मैं यहाँ गाड़ी को लगाने वाला हूँ, मेरे को स्नाइपर निकाल के एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ना अंदर काफ़ी ज़्यादा पुलिस है, अगर ये पुलिस वाले हुए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वैसे पुलिस लग नहीं रहे हैं लोग, एक सेकेंड स्नाइपर निकाल के मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओ तेरी भाई, तो काफ़ी तगड़ी सिक्योरिटी है भाई, बहुत ही ज़्यादा बंदे। तो पहले मैं काम करता हूँ, मेरे पास आर्मर वगैरह है ना, पहले मैं एक बार आर्मर पहन लेता हूँ। ओके भाई एक ही आर्मर है मेरे पास, मतलब मेरे पास ज़्यादा चांसेस नहीं है। अभी मैं स्नाइपर निकालने वाला हूँ, निकल यहाँ से, हेडशॉट दिया इसको, निकल तू भी यहाँ से निकल भाई, तो मिस हो जाता है ना शॉट तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ओके यहाँ पे अरे मर जा भाई, कितनी गोली खाएगा, निकल यहाँ से। ओ एक सेकंड भाई, उनको तो लग नहीं रही बट हाँ मुझे ज़रूर गोलियाँ लग रही हैं, पर ये लोग मार कहाँ से रहे हैं, कहाँ पे हैं बंदे भाई। ओके मुझे आगे जाके एक बार चेक करना चाहिए, मुझे लगता है गाइस मैंने सारे के सारे बंदों को मार दिया, ऐसा मुझे लग रहा है अंदर हो सक। ओके हैं बंदे हैं, पर भाई बहुत बंदे हैं यहाँ, वो भी आर्मर वाली सिक्योरिटी है भाई। भाई शॉटगन चला रहा बंदा, एक सेकेंड पहले मेरे को काम क्या करना है, पहले फटाफट से मेरे को हेल्थ भरनी पड़ेगी। स्नैक्स खा लो भाई, स्नैक्स खाते रहने मेरे को, निकल यहाँ से, ज़्यादा ही शॉटगन चला रहा है ये। ओके अभी भी बंदे हैं यहाँ पे, है कहाँ पे ये बंदा, एक सेकेंड यहाँ है क्या, ये तो ये रहा। ओ भाई 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 भाई, भाई मैं अकेला था क्या,
निकल यहाँ से। ओके बॉस ही बॉस ही, जल्दी 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 जल्दी, ये लोग यहाँ पे पक्का डील वगैरह कर रहे होंगे गाइस। जल्दी जल्दी इससे पहले और भी बंदे आ जाए, मेरे को निकलना पड़ेगा भाई। तुम लोग पीछे की साइड देख सकते हो, पीछे मेरे को सप्लाई मिल चुकी है, बस निकलो 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 निकलो, कैसे भी करके निकलना पड़ेगा। ओके बहुत सही, ये सप्लाई नीचे डैमेज हो गई। ओके डैमेज हो गई, ये डैमेज भी हो सकती है, अगर वैन डैमेज हो गई तो दिक्कत आ जाएगी, मतलब रास्ते में पक्का बंदे मिलने वाले हैं, 100% बंदे तो आएंगे ही आएंगे, इसीलिए इसकी हेल्थ नीचे दे रखी है। कोई दिक्कत नहीं, अभी भगाते रहो, बस भगाते रहो, मेरे को टक्कर कहीं नहीं मार रहा है, अगर टक्कर लग गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। एक तो यार इसी रास्ते से ले जाना ज़रूरी है क्या? ये देखो बंदे आ गए, मुझे लग ही रहा था भाई, मुझे लग रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हेल्थ आ रही है ना, बंदे ना आए। आ गए देखो पीछे बंदे, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे यार मैं तो मार ही नहीं पा रहा गोली, मैं तो मार ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो भागना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। हेल्थ कम हो रही है, वैन की हेल्थ कम हो रही है, बस भागाते रहो, मेरे पास एक ही रास्ता है कि बस मेरे को भागते रहना है। और सप्लाई काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही है मेरे को, तो मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ। $60,000 की थी यार, महंगी लग के आ रही है, 60,000 की थी, मेरे को याद आ गया, तो बस भागते रहना, रुक नहीं सकता भाई मैं, दो दो गाड़ियाँ मेरे पीछे आ रही हैं, इन लोगों को चकमा देना पड़ेगा भाई। निकल 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 निकल, भागो 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 भागो, बस भाग के फटाफट से मेरे को सैंडी चोर्स पहुँचना है। तो अभी मैं वैन को बचाते बचाते काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, पर यार ये लोग ना पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, और अभी वैन की हेल्थ ना काफ़ी तेज़ी से डाउन हो रही है, तो अभी एक ही रास्ता है कि इनको टपकाना ही पड़ेगा। एक तो गया, एक सेकंड में पहले वैन को ना साइड में लगा, ओ तेरी भाई टक्कर से तुम लोग देख रहे हो वैन को काफ़ी डैमेज हुआ है तेरी तो ऐसे। निकल यहाँ से, ये दोनों ज़्यादा हीरो बन रहे थे, इतनी देर से मेरा पीछा कर रहे हैं ना भाई, मैं सैंडी शोर्स पहुंचने वाला था, पीछा करने में लगे हुए हैं। बाकी वैन को ना मैंने टक्कर मार के खुद इतना डैमेज कर दिया यार, अभी निकलना पड़ेगा, अभी मैं और डैमेज नहीं कर सकता, मेरे को बस आराम से। एक सेकंड भाई, कहां से आ गया एक और बंदा तेरी तो, एक सेकंड, एक इसके अंदर है, निकल यहां से तेरी तो ऐसी। भाई सैंडी शोर्स के लोग भी देख रहे हो सप्लाई छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हद है भाई। मैं वही कहूँ पीछे से कौन गोली चला रहा है, पीछे वाले को तो मैंने टपका दिया, अभी फटाफट से निकलना पड़ेगा, वैन काफ़ी डैमेज हो गई और मेरी हेल्थ भी काफ़ी जा चुकी है, मेरे को काफ़ी गोलियां लग गई हैं, बस निकलो 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 भाई, अब मैं रुक नहीं सकता हूं। अगर अब गोलियां भी पड़ी ना तो मैं रुकने वाला नहीं हूं कहीं भाई, सीधा फैक्ट्री में जाके रुकूंगा। तो फटाफट से निकलते हैं, बस फैक्ट्री पहुंचने वाले हैं, मोटरसाइकिल क्लब तो पहुंच चुके हैं, फैक्ट्री भी यार काफ़ी ज़्यादा पास है। तो अभी हम लोग अपनी फेक मनी फैक्ट्री पहुंच चुके हैं, वैन को जल्दी से यार अंदर करते हैं, बहुत सही, फटाफट से यार अंदर लेकर चलते हैं इसको। तो अभी हम लोग अपनी फैक्ट्री में आ चुके हैं, और तुम लोग सप्लाई देखो भाई फुल होने ही वाली है, और ये शायद यार अपने मैनेजर का कॉल आ गया है जो अपनी फैक्ट्री को चलाता है। बाकी प्रोडक्शन भी अपना काफी सही चल रहा है यार, थोड़े इक्विपमेंट बढ़ जाते हैं ना, जैसे ये मशीन्स बढ़ जाती है ना तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता भाई, डबल प्रॉफिट होता, पर उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। अभी मेरे पास सिर्फ $4,00,000 है, तो मेरे को 4 लाख और चाहिए, 4 लाख और कमाने के लिए मेरे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे को बंकर वाला काम करना होगा तभी पैसा आ सकता है। और तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई, यहाँ अपना जो सिक्योरिटी वाला बंदा है इसको भी सैलरी वगैरह देनी है, तो एक काम करते ना फटाफट से यहाँ से बाहर चलते हैं और सीधे बंकर में चल के देखते हैं कि यार वहाँ पे कितना पैसा हो। तो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, और अभी यार मेरे को काम क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ना अपनी लैम्बोर्गिनी को वापस बुलाना होगा, मतलब मैकेनिक को कॉल करना, और गाड़ी ना एकदम रिपेयर होकर आएगी, चाहे कितना भी ठोक दो तो गाड़ी तो रिपेयर होकर आ जाएगी, बहुत सही। और अभी मेरे को काम क्या करना है, मेरे को ना यहाँ की पोस्ट भी छोड़नी पड़ेगी, बहुत सही। तो अभी मैंने कुछ टाइम के लिए अपना बिजनेस बंद कर दिया है, क्योंकि यार अभी ना मैं बंकर तभी जा पाऊंगा जब यहाँ की पोस्ट छोड़ूंगा, ओके बहुत सही। तो फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और सीधे बंकर में चल के देखते हैं कि यार वहाँ से कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि मुझे $4,00,000 इकट्ठे करने हैं, और 4 लाख होते ही ना मैं अपनी इस वाली फैक्ट्री को फुल्ली अपग्रेड कर दूंगा। अपग्रेड होने से ना इक्विपमेंट अपग्रेड होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, मतलब जितनी देर में ये 40,000 हो रहा है ना उतनी देर में $80,000 होगा, समझ रहे हो भाई, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा। फटाफट से बंकर में चलते हैं और चल के देखते हैं कि यार वहाँ पे अगर कोई डिलीवरी आई हो। तो अभी हम लोग अपने बंकर के पास पहुँचने वाले हो, और यार काफ़ी दिन बाद मैं बंकर में आ रहा हूँ, मतलब बंकर का काम तो छोड़ ही दिया है भाई जब से फैक्ट्री खोली है, क्योंकि बंकर के इस काम में ना मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं पर प्रॉफिट भी काफ़ी सही होता है। तो फटाफट से अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं कि यार अगर कोई ऑर्डर आ रखा है। तो अभी हम लोग बंकर में आ चुके हैं, फटाफट से यार बाहर निकलते हैं, और मेरे को वैल्यू देख, ओके वैल्यू सिर्फ 20,000 है तो बहुत कम है,
स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग यहाँ देख रहे हो सारे के सारे एम्प्लॉय बैठ के फोन चला रहे हैं भाई, टाइम पास हो रहा है। हेलो, कोई काम वाम क्यों नहीं हो रहा भाई? सारी की सारी मशीनें बंद पड़ी हुई है। तुम लोग यहाँ देख रहे हो ये एम्प्लॉय भी खाली पड़ा हुआ है भाई, कोई कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है? लो ये काम कर रहा है क्या? एक सेकंड गाइस, सारे लोग मजे कर रहे हैं जैसे छुट्टियां चल रही हो भाई। इतने टाइम से मैं आया नहीं, तुम लोगों ने तो मेरे बंकर का पूरा बिजनेस खराब कर दिया भाई। सारे लोग मजे कर रहे हैं, सारे लोग फोन चला रहे हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे सप्लाई नहीं है, इसीलिए लोग काम वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो सप्लाई मेरे को लेकर आनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग तो बस ऐसे ही आराम करेंगे और मेरे तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो अभी मेरे को काम क्या करना है फटाफट से, पहले मेरे को एक सेकंड यार, पहले मेरे को यहाँ पे अपने आप को सीईओ बनना पड़ेगा। ओके, सीईओ मैं बन चुका हूँ। फटाफट से पहले चेयर पे बैठो, मेरे को देखना है कि सप्लाई भाई कितनी महंगी है, मेरे को लेकर आनी पड़ेगी यार। सारे लोग खाली घूम रहे हैं तभी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ। पहले मैं एक काम करता हूँ, सेल स्टॉक में जाता हूँ। मेरे पास अभी सिर्फ थोड़ा सा स्टॉक पड़ा है जो कि $36,000 का। मेरे पास सप्लाई नहीं है, नहीं तो ये 1-2 लाख का तो हो रखा होता भाई आराम से। इसीलिए बिल्कुल भी मेरे पास कोई भी सामान नहीं है। तो उसके लिए मेरे को काम क्या करना है गाइस, सप्लाई लेकर आनी पड़ेगी। सप्लाई नहीं होगी ना तो ये लोग काम नहीं करेंगे। बस एक दिक्कत की बात है कि एक टाइम पे ना हमारा एक ही बिजनेस चल सकता है, या तो हमारा ये बंकर वाला बिजनेस चलेगा या फिर पैसों वाला चलेगा, मतलब फेक मनी फैक्ट्री चलेगा। तो फिलहाल के लिए ना मैं उसी वाले बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा चलाने वाला हूँ, क्योंकि उसमें ना प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और कोई दिक्कत भी नहीं हो रही। पर यहाँ के बिजनेस में क्या है कि प्रॉफिट होता है पर बहुत ज़्यादा लेट होता है और दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि यार पैसों का इंतज़ाम मेरे को सिटी में भाई काम करके करना होगा, क्योंकि बंकर से तो एक बार में इतना पैसा आने वाला नहीं है। मेरे को कोई मिशंस करने पड़ेंगे बड़े तभी पैसा आएगा। कोई दिक्कत नहीं है यार, बाकी यहाँ पे एक सप्लाई है यार, इसको फटाफट से चल के डिलीवर कर देंगे। और यहाँ के लिए भी मेरे को एक सप्लाई लेकर आनी है। बाकी एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए भी हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है यार। तो अभी हम लोग बंकर से बाहर आ चुके हैं, अभी मेरे को सिटी में चल के यार कुछ बड़े मिशंस करने होंगे ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए और मैं फटाफट से यार अपनी फैक्ट्री को अपग्रेड कर पाऊँ, क्योंकि $4,00,000 चाहिए। $4,00,000 मेरे पास है, $4,00,000 हो जाएंगे, वैसे ज़्यादा पैसा नहीं है, हो जाएंगे। $1,00,000 देखो मैं बंकर से आराम से कर लूँगा, $1,00,000 मेरी फैक्ट्री से हो जाएगा। प्रोडक्शन काफ़ी सही चल रहा है, $2,00,000 हो गए, $2,00,000 तो मैं मिशन करके कर ही दूंगा भाई आराम से। तो कोई दिक्कत नहीं यार, जल्दी से जल्दी मैं अपनी फैक्ट्री को भी अपग्रेड कर लूँगा। बाकी फटाफट से सिटी में चलते हैं और इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके आज ज़रूर बताना कि आप लोगों को GT Online के वीडियोज़ कैसे लगते हैं। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।